नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, राजकुमार टैलेंट चैनल में सब्जी वाला खिचड़ी बनने जा रहा है, जिसके अंदर जीरा, अदरक, लहसुन और प्याज टमाटर इसके अंदर पका रहे हैं। और दोस्तों थोड़ा दिखाना लेट हो गया है, ये गाजर, मटर, आलू, बीन्स, गोभी ये सब सब्जी काटा हुआ है। तो देखिए ये मूंग मसूर नहीं, मूंग का पीला दाल और कोलम चावल, छोटा वाला है चावल, एक कटोरी चावल और दाल दोनों साथ में मिला के है दोस्तों। और इधर देखिए दोस्तों सब्जी को अच्छे से धो चुके हैं। तो राजकुमार टैलेंट चैनल में सब्जी वाला खिचड़ी बन रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इस नमक जा चुका, थोड़ी लाल मिर्ची और हल्दी और धनिया पाउडर। तो दोस्तों एक मिनट इसको भूनेंगे, एकदम मसाला पक चुका है। अब इसके अंदर दोस्तों सब्जी डालें। दोस्तों ये सब्जी गया इसके अंदर, तो 4 मिनट इसको ऐसे पकाएंगे दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों चावल डालेंगे, ज़रा इसको अच्छे से भून लेंगे, तो टेस्टी टेस्टी सब्जी वाला दोस्तों खिचड़ी बनेगा। राजकुमार टैलेंट चैनल में दिल की गहराइयों नई अंदाज और नई रेसिपी, खिचड़ी का रेसिपी सब्जी वाला, अदरक लहसुन के साथ में एकदम गरम मसाला और तेज पत्ता के साथ में दोस्तों गर्मा गर्म। दोस्तों इसी में दोस्तों प्याज, टमाटर, ककड़ी, गाजर का मिक्स वाला सैलेड रहेगा और धो के रखे थे ये डालेंगे, थोड़ा सब्जी पक जाएगा। तो इसके छुपता नहीं छुपाने से मैं आशिक हूँ जमाने से। तो दोस्तों देखिए 2 मिनट के लगभग हो गया, देखिए पानी छोड़ दिया है, अब थोड़ा सा और 2 मिनट इसको सब्जी को पकाएंगे। तब तक राजकुमार टैलेंट चैनल में दोस्तों ककड़ी को कचुम्बर या मिक्स वाला दोस्तों ये सैलेड बनाएंगे, जिसमें प्याज, टमाटर, ककड़ी, गाजर सब दोस्तों मिक्स रहेगा। और मिक्स होने के बाद दोस्तों इसके अंदर नमक, नींबू, धनिया पत्ता ये सब यूज करेंगे। दोस्तों देखिए ककड़ी काटने के बाद कैसा दिख रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा मैं एक नई रेसिपी और नई चीज़ दोस्तों मैं लेके आने की कोशिश में दोस्तों रहता हूँ, एक नई अंदाज में। और खाओ पियो और ऐश करो मेरे प्रिय दोस्तों। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, और खाने पीने के दोस्तों चीज़ में शर्म नहीं करना चाहिए। प्रिय दोस्तों अब देखिए टमाटर काट रहे हैं, टमाटर के बाद दोस्तों प्याज कट हो रहा है सब दोस्तों। राजकुमार टैलेंट चैनल में देसी स्टाइल में और देसी खाना आपको देखने को मिलेगा। कितना अच्छा प्याज, टमाटर, ककड़ी, गाजर सब चीज़ का सैलेड बनेगा। कम सेकेंड में रिकॉर्ड करने के लिए दोस्तों ये बाकी है, तो मैं बिना वीडियो में भी काट के रखूँगा। सैलेड तैयार हो चुकी है, तब तक ये देखिए इधर भी सब्जी मेरी पक चुकी है अच्छे तरीके से। तो दोस्तों अब इसके अंदर दोस्तों नमक भी अंदाज से डाल चुका हूँ। राम कर दिनवाए कब हो नारे। चावल धो के रखे थे, अभी इसको डालने वाले हैं। सब्जी अच्छे से पक चुका है। तो दोस्तों सब्जी वाला खिचड़ी बनाने के लिए एकदम देखिए आसान तरीके से मैं अपने वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। गरम मसाला वाला सब्जी की खिचड़ी एकदम नई अंदाज और देसी स्टाइल में आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। ये है राजकुमार टैलेंट चैनल। तो दोस्तों इसके अंदर अब दोस्तों पानी डाल रहे हैं, 1 कटोरी चावल पे करीब 3 से 3.5-4 कटोरी खिचड़ी के लिए दोस्तों पानी डालना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा खासा दिख रहा है। अब इसको 1 सीटी दिलाएंगे प्रेशर कुकर में। ये दोस्तों
तो दोस्तों हमारे वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। इस कुकर में बन रहा है, जिसकी कुकर की कहानी ये है दोस्तों, ये करीब 25 साल पुराना कुकर है, पुराना डिज़ाइन और पुरानी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ रहता है, बहुत अच्छे से पकता है दोस्तों। के लिए दोस्तों इसको प्रेशर कुकर में लगा दिए, सैलेट तैयार है, जब सीटी लगेगा तो खिचड़ी सैलेट पापड़ और दही के साथ दोस्तों सब्जी वाला खिचड़ी खाएंगे। दोस्तों सीटी मार चुका, तो मेरे प्रिय दोस्तों देखिए कितना गर्मा गर्म एकदम देसी स्टाइल में सब्जी वाला खिचड़ी बन के रेडी हो चुका है खाने के लिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए सैलेट, खिचड़ी और पापड़, राजकुमार टैलेंट चैनल का रेसिपी खिचड़ी सब्जी वाला यानी वेजिटेबल खिचड़ी, कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा। और ये है राजकुमार टैलेंट चैनल, दिल की गहराइयों से एक नई अंदाज में, और दोस्तों एक नई रेसिपी लेकर अगली लाइव अगली वीडियो में मैं मिलूंगा। इस वीडियो के लिए जय हिंद दोस्तों।